यूनिट सेकंड सेमीकनेक्टर। देखिए सेमीकनेक्टर वाले पार्ट, इसमें दो पार्ट रहेंगे अपने पास। एक सेमीकनेक्टर वाला रहेगा और इसके बाद में एक रिफ्लेक्शन वगैरह यानी कि जो फिल्टर वगैरह वाले पार्ट आएंगे, उस वो वाले पार्ट इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में ज़्यादातर फिल्टर आ जाएंगे, हाफ फुल रिपल फैक्टर आ जाएगा, डिफरेंशियल फिल्टर आ जाएंगे, शंट एल पाई वोल्टेज। और फर्स्ट वाले पार्ट में जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, इस पर सेमीकनेक्टर पर आधारित रहते हैं। ठीक है, फर्मी लेवल, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल, पीएन जंक्शन वाले पार्ट आ जाएंगे, डायोड टनल डायोड, लाइट इमिटेटरी डायोड, सोलर सेल। ठीक है, ये वाले पार्ट इसके अंदर आएंगे। सेमीकनेक्टर देखिए स्टार्टिंग क्या था इसका, बेल लेबोरेटरी थी, लेबोरेटरी यानी कि जो प्रयोगशाला थी कौन सी थी, बेल। इसमें तीन वैज्ञानिक थे, बार्दिन। ठीक है, बात्रे और साकले। ठीक है, इन बंदों ने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। इन बंदों ने क्या किया था, ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज थी, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था ये एक प्रकार से। ठीक है, सेमीकनेक्टर के जो पार्ट देख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पास सबसे ये सारे के सारे पार्ट आए जो जो इसमें मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट आए। इसमें बेल लेबोरेटरी थी, उसमें बार्दिन बात्रे व साकले ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। और ये ट्रांजिस्टर का निर्माण एक बहुत बड़ी खोज थी, यानी कि जो काफ़ी बड़े बड़े पार्ट थे उनको क्या है, एक शॉर्ट टाइप मिल गया। जैसे कि पहले कंप्यूटर वगैरह जो था वो क्या था, वो एक बहुत बड़ी पूरे कमरे के अंदर आता था। ठीक है, तो बाद में ये कंप्यूटर भी छोटे छोटे पार्टों के रूप में आने लगे। ठीक है, एकीकृत परिपथों का निर्माण शुरू हो गया, यानी कि जो चिप वगैरह बोलते हैं ना अपन देसी भाषा में उनको, मोबाइल चिप या मोबाइलों पर आती है, जो रेडियो वगैरह कोई भी पार्ट आते हैं चिप आती है, उसमें बारीक बारीक से तो होते हैं, काफ़ी संख्या में होते हैं। ठीक है ना, उससे हुई थी। ठीक है, और कुछ ही वर्षों में यानी जो पहले कंप्यूटर वगैरह जो थे वो कहाँ पे थे, पूरे कमरे के अंदर प्रदर्शित किए गए थे। ठीक है, वो इस ट्रांजिस्टर की खोज के द्वारा यानी कि एक चिप आ गई थी एक प्रकार से। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर तक आ गए थे उसके बाद में, बहुत ही काफ़ी संख्या में आ गए थे, यानी कि मिसाइलों पर जो नियंत्रण वगैरह है, कारखानों की प्रक्रिया, मौसम की जानकारी है, जटिल से जटिल जो भी समाधान थे वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के द्वारा स्टार्ट हो गए थे। किसकी खोज के द्वारा, ट्रांजिस्टर की खोज के द्वारा। ठीक है, और इसी ट्रांजिस्टर में अपने पास सेमीकनेक्टर आता है, यानी कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोल सकते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्या आता है, जो सेमीकनेक्टर होता है एक बहुत बड़ी खोज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें सेमीकनेक्टर से पहले इसमें एक टॉपिक को देखते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, यानी कि परमाणु वगैरह जो है उसमें उनकी ऊर्जा स्तर किस प्रकार के होते हैं। ये तीन पार्टों में होते हैं, एक जो निम्न वाला पार्ट होता है, एक ऊर्जा स्तर होते हैं, एक उसके बीच में वाली पार्ट भी होती है जिसमें ऊर्जा का मान कुछ उपस्थित होता है। ठीक है, कोई भी परमाणु वगैरह हो गया उसमें पाउली के अपवर्जन के नियम से क्या होते हैं,
परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में रहते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और फिर पावली के नियम का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे उच्च ऊर्जा जो चक्कर रहते हैं उसमें जाते रहते हैं, ठीक है ना। और सबसे जो बाहरी कक्ष होता है उस वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन वाले पार्टों में आते हैं। जैसे कि कोई पार्ट ले लिया अपन, जैसे कि जर्मेनियम ले लिया, ठीक है। जर्मेनियम का क्या होगा, फर्स्ट इस वाले पार्ट में आ गया 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, ठीक है। यानी कि एक परमाणु के जैसे कि लास्ट वाले पार्ट में कितने, 4 है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक प्रकार से लास्ट के इसके साथ लास्ट के 4 और बन जाएंगे और एक बैंड का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। जटिल एक अवस्था हो जाएगी, एक सीरीज के रूप में प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है। ये कोई मान ली ऊर्जा वाले पार्ट देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से पार्ट आ गए, ये किसी को भी एक ऊर्जा स्तर है। उसके बाद में ये कोई एक अन्य ऊर्जा स्तर है, तरी वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्ट ले लिया, ये फर्स्ट आ गई कोई भी पार्ट। अब देखिए किस प्रकार का ये करेंगे, ये अब इसमें देखिए स्टार्टिंग एन बराबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स रहेंगे, एन बराबर 2 कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बीच वाली पट्टी ले ली कोई भी अपने, एक 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 दो तीन, एक दो तीन, एन बराबर 3। एक नेक्स्ट पार्ट आ गया, इस वाले में स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, 2 पार्ट रहेंगे, इस वाले में 3 रहेंगे, ठीक है। उसके ऊपर वाले कितने आएंगे, 4-4 रहेंगे। तो केमिस्ट्री वाले पार्टों में आता ही है, एन बार 4 में कितना, जर्मेनियम में 2 है, 4 है, 2 इसमें, 2 इसके ऊपर वाले में, ठीक है। ये एनर्जी वाले पार्ट आ गए, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट आ गया, उस वाले को कहते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर, बैलेंस ऊर्जा स्तर, ठीक है। और ये क्या आएगा, अंत ऊर्जा स्तर, ठीक है। और इस तरफ वाले पार्ट में क्या लिखे जाएंगे, स्थिति ऊर्जा वक्र या इलेक्ट्रॉन की सीमा, ठीक है। ये वाले पार्ट है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में 2 हो गई, और जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं ना, लास्ट ऊपर वाले 2 पार्ट, वो क्या करेंगे, एन बराबर 4 है, इसमें क्या है, 4 है, तो वो वाले क्या करेंगे, एक नए ऊर्जा स्तर यानी कि दूसरे वाले के साथ क्या है, कंजुगेट होने की कोशिश करेंगे, यानी कि विनिष्ठ होने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मान प्राप्त होंगे वो किस प्रकार के आएंगे,
यानी कि जो इनका ग्राफ यदि अपन प्रदर्शित करें एनर्जी के साथ, जो एनर्जी आएगी वो परमाणुओं की दूरी के साथ रहेगी, जैसे जैसे परमाणुओं की दूरी बढ़ती है। स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या होता है, ये एनर्जी को व्यक्त करेगा और ये परमाणुओं के मध्य दूरी को व्यक्त करेगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, परमाणु स्टार्टिंग n बराबर 2 पर चला जाता है, n बराबर 3 पर, n बराबर 4 पर, कुछ इस प्रकार सिस्टम चलते रहते हैं इनके। ये कुछ इस प्रकार के ग्राफ आएंगे इसमें, ठीक है। पी क्यू आर एस ये एनर्जी बैंड को प्रदर्शित करते हैं, ठीक, दूरियों के साथ इनके माने, ये एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, ठीक है। यानी कि जो ये दूरियों पर प्रदर्शित करेगा, यानी कि जो दूरी होती है ना उनके साथ साथ, जैसे कि ऊपर से पहले वाला ऊपर वाला ग्राफ देखिए द्वारा, ये बीच, ये कोई भी दो पार्टों के बीच का गैप हो गया, तो एक ये पार्ट हो गया फर्स्ट किसके लिए, एन बराबर 1 के लिए, ठीक है ना, एन बराबर 1 के लिए ये पार्ट, यानी कि गैप पर डिपेंड करेंगे किस प्रकार रहेंगे ये, ठीक है। नाभिक, ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बाद में क्या रहेंगे, सेकंड वाले पार्ट रहेंगे, एन बराबर 2 पर आ जाएगा, एन बराबर 3 पर आ जाएंगे, ठीक है ना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह किस प्रकार उपस्थित रहते हैं, ठीक है, तो इसमें दो पार्टों में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि इसमें दो पार्ट रहेंगे, एक चालन बैंड होता है, ठीक है, इसको ई सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सी क्या रहेगा, चालन बैंड के रूप में रहेगा कंडक्शन, कंडक्शन बैंड है तो ना उसके हिसाब से रहेगा, चालन बैंड, और जो स्टार्टिंग वाला पोजीशन होता है उसको संयोजक, संयोजकता बैंड बोलते हैं, ठीक है ना, बैलेंस बैंड, ठीक है। और जो बीच का जो गैप आएगा, ठीक है ना, उनको उत्तेजित अवस्थाएं कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ये इसकी गैप को प्रदर्शित करता है, जो एनर्जी का जो गैप, तो गैप होता है एनर्जी में, डेल आई ई जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार इनके पार्ट प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसी वाले पार्टों के क्या होते हैं, ये ई सी आ गया, ये कितना आ गया, ई वी आ गया, ठीक है। दोनों जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको एनर्जी वगैरह देंगे, इनके सहसंयोजक बंध टूटेंगे, सहसंयोजक बंध टूटने के बाद में क्या होते हैं, ये एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो वैलेंस बैंड होता है, संयोजकता बैंड, उससे कहाँ पर चले जाएंगे, चालन बैंड के ऊपर से ऊपर उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और जो बीच में जो गैप होता है, यानी कि इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी इनको चाहिए, वो डेल ई जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इतनी एनर्जी ये पाकर ये क्या करेंगे, एक दूसरे ऊपर वाले पार्टों में पहुंच जाते हैं,
ठीक है। इन्हीं के आधार पर क्या होता है, कुचालक के चालक और सेमी कनेक्टरों का निर्माण होता है, ठीक है। सेमी कनेक्टर कुचालक क्या होते हैं, जिसमें डेल आई डेल जो कुचालक के होते हैं, इंसुलेटर डेल जी का मान क्या होता है, 5 या 5 से अधिक होता है, ठीक है। जबकि कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर पाले वाले पार्ट में डेल जी का मान लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। और सेमी कनेक्टर क्या होते हैं, सेमी कनेक्टर होते हैं जिसमें डेल ई जी का मान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब इसको एनर्जी वगैरह ना देना, यानी कि कमरे के ताप वगैरह हो गया, ठीक है, उन ताप पर ये क्या करेगा, कुछ अलग की तरह व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। और यदि इनको एनर्जी प्रदान कर दिया पुण्य, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। ये एनर्जी बैंडों के आधार पर ही इन वाले पार्टों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक लास्ट वाले पार्ट में 3 पार्ट यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, किसी पार्टों में क्या हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है।